रजनीगंधा ना आगा भी है कमला बा आज की दीदा अच्छा ला भैया ला लाओ आज की दुइया का चला दूसरे आज की हां ला भैया पानना का भैया ना भैया पलो सिगरेट उगरे ढका हां सिगरेट उगरे ढका ला तुम तो कैसे आते थे मैंने हां ली आई कुकरिया धीरे धीरे लगी ना चुन्ना अरे भाई दाई खोल ले आई अब चुन्ना दे रहा हाँ भी लोग अरे रमेश भाई यार कौन है यार कौन भिखारी सुबह सुबह कौन हम लोग को गाड़ी तगड़ा गया भिखारी आज को समझ में नहीं आता है क्या भिखारी यार गाड़ी से हम लोग क्यों अंधे हो क्या तुमको दिखाई नहीं देता है इनको दिखाई नहीं देता है भिखारी आदमी भीख मांगते हैं सर अरे तो सुबह सुबह तुम पिए हो नहीं ना हो नहीं है सब भीख मांगते हैं भीख मांगते हो कैसे तुम भीख मांग रहे हो भीख मांगते हैं कोई देना इसका हाथ तो सही है सब क्या कैसा तुम पे चोट लगी हुई है देखिए ना ये सब चोट कैसे लगा कैसा चोट लगा तुमको कैसे लगा ये सब चोट बहुत चोट लग गया गए थे ना कुछ काम से कहाँ गए तो लड़ गए अरे यार ये भेष बदल कर भीख मांग रहा है सबको चूतिया बना रहा है नहीं कुछ देना दे दीजिए देना है देना है तुमको क्या देना है चूतिया बना रहे लोग देता है गाड़ी हम लोग को लड़ गए गरीब आदमी को नहीं मानना चाहिए आप लोग कैसे मार रहे हैं मुझको बताइए आप गरीब हो गरीब हो गरीब है बताएंगे आप आप लोग कैसा नहीं चाहिए लोग आप लोग बड़े आदमी मैं गरीब आदमी लोग मुझे मारते हैं आप लोग तुम्हारे इतना पैसा तो किसी के पास नहीं होगा नहीं अभी तो 4 रुपया हम कमाए हैं आप लोग मुझको मार क्यों रहे हैं बताइए भैया सुबह सुबह सामने गाड़ी के आ जाते हो मर जाते तब क्या होगा मर जाओगे तो भी कौन सी जिम्मेदारी लगा तुम्हें चलिए अपन चलो भागो 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 यहाँ से भिखारी भागो जल्दी भागो यहाँ से भागो जल्दी भागो चलो आप लोग भगवान भला नहीं करेगा आप लोग ऐसा नहीं चाहिए आप लोग आपको मारे भाग जाओ इधर से क्या करें जिंदगी बेकार फिर जा एक रुपया दे दो बाबू जी बेटा भीख क्यों मांग रहे हो
गरीब आदमी है, भीख मांग के जीते खाते कोई आगे पे सारा तो नहीं सही, अपना काम चला लेती हूँ। ऐसा है कि मेरे कंपनी में आप मैनेजर पद पे लग जाओ, ठीक है, मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, आप मेरा बेटा बन के रहना मेरे कंपनी में, कंपनी संवारना। नहीं अंकल जी, क्या मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका दशा देख के ऐसा बोल रहा हूँ, मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है। तो मुझको आप बना देंगे कंपनी का मालिक? अब मेरे कंपनी में मालिक बन के रहो, अपना संभालना। तो कब कब आए बताइए आप? कल आ जाओ, आप कल आ जाओ। चलिए ठीक। और ये भीखू को मांगना आपसे बंद कर दो, और ये लो अपना इलाज करा लेना, और मैं अपने कंपनी में आपको मैनेजर पद पे रख दूंगा, ठीक है, मेरा बाल बच्चा नहीं है, आप मेरा कंपनी संभालना। ठीक ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ हम सुबह के आ रहे हैं आपके। ठीक ठीक, सुबह में मिल लेना आकर। ठीक 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 ठीक, चलो मैनेजर चलो। अरे भाई, अल्लाह के नाम पर दे, भगवान के नाम पर दे, बच्चा कुछ दे दे, खुश रहो। अल्लाह के नाम पर दे, भगवान के नाम दे, श्री राम के नाम पर दे बच्चा। बड़ा प्यास लगल बिया हो तो। खुश रहा बच्चा, खुश रहा। चला कुछ काम हो जाए हमारो, कुछ मिल गए बा, आ रास्ते में कुछ और मिल जाए भैया बाबू बाद यहाँ लोगन, तब मज़ा आ जाए, कुछ पेट का काम मज़ा आ जाए। अरे क्या किया जाए? हाँ चलिए, कोई कंपनी वंपनी ढूंढे, हम लोग के जॉब के लिए बहुत परेशान है, पढ़े लिखे कंपनी में पता लगाया जाए, पता करें हम लोग, खाली तो भर दिया जाए, कोई फार्म वर्म फार्म वर्म भर दिया जाएगा, कम कम हम लोग का लग रहेगा तो निकल जाएगा, तो हम लोग और क्या यार, हम लोग बहुत परेशान हो गए इस समय। हाँ वन तो भर देंगे तो मिल जाएगा नौकरी। हाँ हाँ, वो तो जो लगेगा देखेंगे बाद में क्या करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो कर क्या सकते। अरे हम लोग नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो चलिए देखते हैं कहीं। अरे यार, ये सूर्या कंपनी में वांट निकला है, कुछ लेबरों की कमी है, इसी के लिए तो हम लोग बात के लिए तो हम लोग बात कर रहे थे सूर्या कंपनी से। हम भारम भर दिए हैं। अरे तो हम लोग कभी भरवा दीजिए। आज पकड़िए पकड़िए पकड़िए, तुम भी ले लीजिए, इसके बाद चलिए मालिक के पास, ठीक ना, चलो चला जाए, नौकरी हम लोगों की जल्दी से मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, हम लोग गाजियाबाद से आए हुए हैं सूर्या कंपनी में, कुछ फार्म भरे हुए नौकरी के लिए, देखिए। तो क्या चाहते हैं आप लोग? वही जॉब के लिए आए हैं सर जी। जॉब के लिए आए, हम लोग फार्म भरे थे सूर्या कंपनी में। हाँ तो बिना फार्म के भी जॉब मिल जाएगी? जी सर, डायरेक्ट भर्ती है सर, जगह खाली है, लेकिन इसके लिए साहब से बात करनी पड़ेगी। बुलाइए साहब से, बात साहब को बुला दीजिए, साहब को बुला दीजिए सर। संतोष सर। हाँ सर। सर बड़े साहब को भेजिए, कुछ लोग आए हैं मिलने के लिए। हाँ सर, कुछ लोग मिलने के लिए आपसे आए हैं, थोड़ा सा मिल लीजिए, बाहर आए लोग। संतोष। हाँ सर बताइए। आ गए क्या? आए क्या बात है? वो दो तीन लोग मिलने के लिए बाहर आए हैं। क्या कोई काम है क्या? नहीं नहीं, बाहर से गार्ड बोला है। हाँ दो तीन लोग मिलने आए हैं, थोड़ा मिल लीजिए। मतलब कोई काम है क्या? अब देखिए, हमको मालूम नहीं है, जो कागज आप सेफ्टी उतर आए थे जी जी, लेबरों की जो कमी थी जी जी, क्या कुछ लेबर होगी कि नहीं होगी? नहीं अभी कहाँ, मतलब इसका मतलब कि अभी 10-20 खाली जगह है अभी, वो तो वही सब नहीं है। देखिए देख लीजिए। ठीक ठीक, आप ही को देखना है सब। ठोके थे गाड़ी से, कहीं देखने के बाद हम लोगों को भगा, वो भी तो लग रहा है। चलो एक बार ट्राई करते हैं।
चलो ठीक है ट्राई कर लेंगे फिर नौकरी देंगे तो देंगे। पहले कोड़वा जाके पकड़ लेंगे क्या? हाँ पहले कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा हम लोग। चलो ठीक है चलो। श्याम क्या बात है, कौन है? अरे सर तो तीन लोग आए आपसे मिलने के लिए। हाँ सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या तुम लोग मुझे पहचान गए? पहचान तो गए। कौन है? मैं वही भिखारी हूँ जो सड़कों पर किनारे भीख मांगता था। आज इतने बड़े आदमी हो गया हूँ, देखते दंग खा जाओगे। श्याम हाँ सर लोग नौकरी दे दो। भिखारी मत समझना, भिखारी एक बार बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।